हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विंडोज 10 की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को जानेंगे जिसे जानने के बाद आप सभी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है फ्रेंड्स आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। 2022 आ रहा है तो आपको अपने विंडोज़ के साथ और भी ज़्यादा नए फीचर्स को जानना चाहिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पहली ट्रिक को। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली होता क्या है, आप जैसे अपने दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुराना फाइल एक्सप्लोरर आ जाता है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट इसमें कुछ ना कुछ अपडेट चेंजेस करता रहता है टाइम के साथ साथ, लेकिन अगर आप सभी इसके साथ बोर हो गए हैं और कोई नया फाइल एक्सप्लोरर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू, और न्यू में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा शॉर्टकट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम, तो यहाँ पे जो है आपको इस कोड को जो है पेस्ट कर देना है। ये कोड आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर explore.exe हमने दे रखा है और यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। जैसे हम फिनिश करेंगे तो आपके सामने जो है ये आइकन आ जाएगा। अब जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप बूम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी के सामने एक नया फाइल एक्सप्लोरर जो है आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे सभी ड्राइव्स मिल जाएंगे आपको, सभी फोल्डर्स वगैरह मिल जाएंगी। ये जैसे मेरी सॉफ्टवेयर वाली ड्राइव है, तो ये देखिए मेरी सॉफ्टवेयर वाली ड्राइव भी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ से भी आप जो है अपनी फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अंदर और भी सारे फीचर्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इसको एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत अच्छा फाइल एक्सप्लोरर है, इसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की साइड। देखिए फ्रेंड्स, अगर कभी कभी होता क्या है कि आप सभी को कोई ना कोई स्केच वगैरह का बनाना पड़ता है या कभी कुछ बताना पड़ता है ट्यूटोरियल्स वगैरह में, तो ऐसे में कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। हमें समझ में नहीं आता कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, अगर कोई मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो एक फ्री सॉफ्टवेयर है वाइट बोर्ड का, जो कि विंडोज़ 10 के साथ ही आता है। आप सभी को कुछ नहीं करना, बस विंडोज़ के साथ W को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, वाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन स्निप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाइट बोर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वाइट बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप सभी के सामने वाइट बोर्ड आ चुका है। इसके ऊपर आप कुछ भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ भी जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप सभी टच पैनल का यूज़ कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, और आप इसकी स्क्रीन को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको और भी ज़्यादा एडवांस ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की साइड। फ्रेंड्स, यहाँ पे जनरली होता क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम विंडोज़ को इंस्टॉलेशन करते हैं और माय कंप्यूटर ढूंढते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं, Windows+E। ठीक है, तो Windows+E करने पे हमें क्विक एक्सेस का एक्सेस यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि Windows+E दबा के मेरा माय कंप्यूटर ओपन हो, ये शॉर्टकट की आप जो है एप्लीकेशन के साथ अगर रिप्लेस करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपली Windows+E को दबाइए। आपको यहाँ पे व्यू में आना है, व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस में आने के बाद देखिए ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस रहता है। आपको यहाँ से सिलेक्ट करके दिस पीसी कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है और इसको कर देते हैं क्लोज। अब करते हैं Windows+E, तो देखिए हमारा यहाँ पे माय कंप्यूटर ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप क्विक एक्सेस को रिप्लेस कर सकते हैं अपने दिस पीसी के साथ। तो कैसी लगी ट्रिक, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अब अगर फ्रेंड्स आप सभी अपने खुद का जिस यूज़र से आप लॉगिन है, अगर उसका फोल्डर आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपको रन में जाना है Windows+R दबा के। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कमांड को जो है टाइप करना है। कमांड क्या है, डॉट स्पेस टू ओपन योर यूज़र। ठीक है, हमें यूज़र का क्या करवाना है, फोल्डर ओपन करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोल्डर, और जैसे ही फ्रेंड्स मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप मैजिक देखिए, यहाँ पे जो है आपके जो करंट यूज़र है उसका फोल्डर जो है सारा का सारा डेटा, जो भी काम करता है, जो भी डेटा सेव करता है, सारा डेटा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे देखिए शिवम सिंह के नाम से, मेरे अकाउंट के नाम से यहाँ पे लॉगिन है, तो आप देख सकते हैं हमने रन से डायरेक्टली अगर आपको यूज़र फोल्डर चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको अपने सिस्टम के यूज़र्स को चेक करना हो,
कि आपके सिस्टम में टोटल कितने यूज़र्स हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो सिंपली इसके लिए कमांड है, आप रन में जाइए और रन में आपको यहाँ पे एक कमांड को टाइप करना है। आपको लिखना है डॉट डॉट स्पेस टू लॉन्च LAUNCH लॉन्च यूज़र, क्या करना है हमें फोल्डर्स देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोल्डर्स और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा इस कमांड को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी यूज़र्स होंगे सभी के फोल्डर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने यूज़र के फोल्डर्स को चेक कर सकते हैं और करंट यूज़र के अभी डेटा जो है आप इस कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप को जानते हैं फ्रेंड्स कि होता क्या है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की सेटिंग है वो आपको सी ड्राइव में इंस्टॉल करता है। अगर आप उसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी चेंज करना चाहें तो आपको एप्लीकेशन के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम बस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करें तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े और सारा का सारा जो है डेटा जो है आप जिस ड्राइव में चाहे उस ड्राइव में सेव करवाएं या इंस्टॉल करवाएं, तो आप कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अपने विंडोज़ 10 की आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करना है। जैसे आप सिस्टम पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है चेंज वेयर न्यू कॉन्टेंट इज सेव्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है न्यू ऐप आई विल सेव टू, तो बाई डिफ़ॉल्ट मेरी सी ड्राइव दिखा रहा है, आप जिस चाहे उस ड्राइव में यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी डॉक्यूमेंट्स का भी है, ऐसी म्यूज़िक फाइल्स का भी है, फोटोज़ एंड वीडियोज़ का है, ठीक है। ऐसी और भी ऑप्शंस जो है आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस जो है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, आप सभी इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ज़रूर अच्छी लगी होगी। कौन सी टिप्स आप सभी को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।